हाय गाइज़ वेलकम टू माय चैनल नाइपर इन एक्सप्लेन तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स तो अगर हम अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें थ्री ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड एंड थर्ड ग्रुप डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन यानी कि साइड चेन्स तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको अच्छे से याद करना है अगर आपको कोई भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे आर को सब्सटीट्यूट करना होगा डिफरेंट ग्रुप से तो हम कई बार देखते हैं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया होता है या कोई डिफरेंट फॉर्मेट में ड्रॉ किया होता है तो हम अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज अच्छे से नहीं कर सकते है. तो इसलिए आपको यह बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है जिससे आप कोई भी अमीनो एसिड को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकोगे तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट सब्सटीट्यूशन डिफरेंट अमीनो एसिड्स हम स्टडी करते हैं जैसे कि हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स उसमें एलिपैटिक एंड एरोमेटिक तो अगर आप ये आर ग्रुप को एलिपैटिक च के साथ रिप्लेस करते हो तो आप तो आपको एलिपैटिक अमिनो एसिड्स मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन अगर आप आर ग्रुप को एरोमेटिक साइड चेन से रिप्लेस करते हो तो आपको मिलता है फिनाइल एलानिन इसी तरह आप पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज अल्कोहलिक ग्रुप अमाइडिक ग्रुप या सल्फर कंटेनिंग साइड चेन को अगर आर से रिप्लेस करते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स या मिलते हैं तो आज हम ये सभी अमीनो एसिड्स कंपेरेटिवली स्टडी करने वाले हैं जिसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर इजिली ड्रॉ कर सकोगे तो अमीनो एसिड पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में फर्स्ट क्लास एलिफेटिक अमीनो एसिड्स तो अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड अच्छे से याद किया है तो आप यह देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में सिर्फ यहाँ साइड चेन वेरी हो रही है तो जैसे कि ग्लाइसिन एलानिन वेलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन मेथियोनिन एंड प्रोलिन तो अगर हम ग्लाइसिन एलानिन वेलिन ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बनस या वैरी हो रहे हैं तो अगर हम ग्लाइसिन में देखते हैं तो अमीनो एंड एसिड ग्रुप ये एच कार्बन से अटैच है जिसमें सिंगल कार्बन प्रेजेंट है एलेन में टू कार्बन्स, वेलिन में फोर कार्बन्स, वन टू थ्री एंड फोर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन में फाइव कार्बनस प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बनस याद रखने हैं ग्लाइसिन वन एलानिन टू वेलिन फोर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन फाइव कार्बन्स तो अगर आपको कोई भी एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो मेथियोनिन एंड प्रोलिन का स्ट्रक्चर आपको सेपरेटली याद रखना होगा प्रोलिन को इमिनो एसिड भी बोला जाता है इस तरह आप सभी एलिफेटिक अमीनो एसिड्स याद कर सकते हो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में सेकंड क्लास एरोमेटिक अमीनो एसिड्स फिनाइल एलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन तो यहाँ हम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आर ग्रुप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक रिंग्स के साथ रिप्लेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल तो अगर हम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में के आर ग्रुप को फिनाइल के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमें फिनाइल एलानिन मिलता है इसी इसी तरह अगर आप आर ग्रुप को फिनॉल के साथ रिप्लेस करते हो तो आपको यहाँ टायरोसिन मिलता है इंडोल के साथ ट्रिप्टोफेन मिलता है तो इस तरह आप एरोमेटिक अमीनो एसिड्स याद कर सकते हो आपको जस्ट यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक रिंग्स याद करना है और आर के साथ रिप्लेस कर लेना है हाइड्रोफोबिक और पोलर अमीनो एसिड्स में फर्स्ट क्लास पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक अमीनो एसिड्स तो इसमें लाइसिन अर्जेन एंड हिस्टिडिन प्रेजेंट होते हैं जो सेकंड पॉजिटिवली चार्ज अमीनो ग्रुप कैरी करते हैं तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको सेपरेटली याद करना होगा देन हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर अमीनो एसिड का सेकंड क्लास निगेटिवली चार्ज और एसिडिक अमीनो एसिड्स जिसमें सेकंड एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एसिडिक अमीनो एसिड्स को हम अमाइडिक अमीनो एसिड्स के साथ स्टडी करने वाले हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर अमाइडिक अमीनो एसिड्स एस्पारजिन एंड ग्लूटामिन से कोरिलेट करता है तो अगर आप एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करते हो तो जस्ट आपको यह एसिडिक ग्रुप को अमाइडिक ग्रुप के साथ रिप्लेस करना है तो यहाँ आप देख सकते हो एस्पार्टिक एसिड में वन एंड टू कार्बन प्रेजेंट होते हैं ग्लूटामिक एसिड में वन टू एंड थ्री कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसी तरह एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन में भी टू एंड थ्री कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पे सी ओ ओ एच की जगह सी ओ एन एच टू ग्रुप ऐड करना है अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स सेरिन एंड थ्रियोनिन तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन एंड सेलोनोसिस्टिन के स्ट्रक्चर के लिए आपको या सेरिन का स्ट्रक्चर याद कर लेना है क्योंकि यह सभी स्ट्रक्चर के लिए आपको जस्ट सेरीन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो अगर आप सेरिन के सेकंड कार्बन को सी एच थ्री अटैच करते हो तो आपको थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर मिलता है इसी तरह अगर आप सेन में ओ OH को सल्फर ग्रुप से रिप्लेस करते हो तो आपको यह सिस्टेन का स्ट्रक्चर मिलता है जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है इसी तरह अगर आप सिस्टेन या सेरिन में एस या ओ OH को सेलेनियम के साथ रिप्लेस करते हो तो आपको ट्वेंटी अमीनो एसिड सेलेनोसिस्टाइन या मिलेगा तो इस तरह आप सभी अल्कोहल कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग एंड ट्वेंटी अमीनो एसिड को याद कर सकते हो तो ये सभी स्ट्रक्चर एंट्रेंस टेस्ट एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है थैंक्स फॉर वॉचिंग